लक्ष्य को पाने की जिद है, दूर तक जाने की जिद है, मात ना खाने की जिद है, हुनर दिखाने की जिद है। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे अड़ी होती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे जिद्दी इंसान की बात करने वाले हैं जिसने शायद पृथ्वी पर जन्म ही रिकॉर्ड्स को तोड़ने का रिकॉर्ड बनाने के लिए लिया हो। वो खुद ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते और फिर उन्हें खुद ही तोड़कर नया रिकॉर्ड बना देते। कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत ले तो उसका नाम खुद ब खुद महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल सहित टोटल 28 मेडल जीत ले तो फिर उसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार, महामानव, अद्भुत खिलाड़ी? तो ये सारे विशेषण भी इस महान खिलाड़ी के लिए कम पड़ जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तैराकी के बादशाह फ्लाइंग फिश के नाम से प्रसिद्ध महान तैराक माइकल फेलिप्स की, जिनका नाम इतने मेडल हैं जितने शायद पृथ्वी के इतिहास में, किसी देश के इतिहास में किसी ने नहीं जीते होंगे। फेलिप्स के नाम से इतने रिकॉर्ड दर्ज हैं कि उनकी चर्चा में एक किताब लिखी जा सकती है। इन्हें मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द प्लेनेट अर्थ भी माना जाता है, यानी कि 23 गोल्ड मेडल के आभूषणों से सुसज्जित एथलीट, क्योंकि पृथ्वी के इतिहास में किसी भी मानव ने इतने मेडल नहीं जीते हैं। कुछ कुदरती विशेष, शारीरिक बनावट, असीम प्रतिभा, लेकिन जबरदस्त मेहनत ने माइकल फेलिप्स को इतना महान तैराक बनाया है। वो बचपन से ही तैराकी की इतनी कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो हर हफ्ते स्विमिंग पूल में 100 किलोमीटर लंबी तैराकी करते हैं, यानी कि औसतन 15 किलोमीटर एक दिन में। सैटरडे हो या संडे, हॉलीडे हो या बर्थडे, क्रिसमस डे हो या एनी डे, साल के 365 दिन और हर रोज 12 घंटे की ट्रेनिंग रोज करना ही उनको खास बनाता है। लेकिन जितना आसान हमें सुनने में लग रहा है, इतना आसान भी नहीं था उनका जीवन। तो आइए जानते हैं उनके तैराकी को समर्पित जीवन के बारे में। यदि ये वीडियो आपको कुछ इंस्पायर करे तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 30 जून 1985 को अमेरिका के बाल्टीमोर में जन्मे फेलिप्स ने अपनी दोनों बड़ी बहनों को देखकर 7 साल की उम्र में तैराकी करनी शुरू की। शुरू में उन्हें पानी में मुंह डालने से डर लगता था, इसलिए वह घंटों पूल में बैकस्ट्रोक की प्रैक्टिस करते थे। इसी प्रैक्टिस ने उन्हें आगे चलकर सबसे बेहतरीन बैकस्ट्रोक तैराक बना दिया। लेकिन उनके घर का माहौल बहुत खराब रहता था, अक्सर उनकी मम्मी पापा में झगड़ा होता रहता था। जब वो 9 साल के हुए, उनके मम्मी पापा में तलाक हो गया। जिस पापा से उन्हें इतना प्यार था, इतना लगाव था, उस पापा ने उनको नेगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दिया। आप समझ सकते हो इतने छोटे से बच्चे के मन पर इन बातों का कितना प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन उन्होंने अपने अंदर के गुस्से को स्विमिंग पूल में ही उतारा। वो और ज्यादा मेहनत करते जाते। 10 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी उम्र की कैटेगरी के सभी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन पिता से दूर होने की टीस तो थी ही, वो अक्सर अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। इसी कारण जब वो 12 साल के हुए तो उन्हें ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर नाम का मानसिक रोग हो गया, जिसमें किसी भी चीज पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। मन हमेशा अशांत रहता है, ना वो खेल पाता है ना पढ़ पाता है। लेकिन उनकी माँ डिब्रो ने उन्हें बहुत संभाला। इसी दौरान उन्हें 1996 के अटलांटा ओलंपिक देखने का मौका मिला। इस दौरान टॉम माल्को और टॉम डोलन के उत्कृष्ट तैराकी प्रदर्शन को देखकर इनके मन में भी बड़ा चैंपियन बनने का जज्बा पैदा हुआ। इसी समय उनकी मुलाकात कोच बॉब बोमन से हुई। इनके जज्बों को देखकर कोच ने इन्हें ट्रेनिंग देने की स्वीकृति दी। इसके बाद वे एक के बाद एक करके नए नए रिकॉर्ड बनाने लगे। 4 साल के बाद ही वर्ष 2000 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही सिडनी ओलंपिक खेलने के लिए क्वालिफाई किया। जिस उम्र में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, इस बच्चे ने ओलंपिक खेलने का लाइसेंस ले लिया और 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले अमेरिकी तैराक बने। हालांकि वो इस ओलंपिक में कोई पदक न जीत सके, लेकिन उनके हौसले टूटने के बजाय और मजबूत हुए। 2002 तक हर जगह हर प्रतियोगिता में नए नए रिकॉर्ड्स बनाने की झड़ी लगा दी। वे खुद के रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड स्थापित करने लगे। 2004 के ओलंपिक में उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत के दम पर सब कुछ बदला जा सकता है। जहां पिछले ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीत सकने वाले फेलिप्स ने इस बार 6 गोल्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड पर अपना नाम दर्ज करवाया। इसके बाद तो मानो उनको पदक जीतने की लत लग गई हो। इस ओलंपिक के बाद जब उनके बचपन के हीरो और उनके कंपेटिटर इयान थोर्प से पत्रकारों ने पूछा क्या फेलिप्स अगले ओलंपिक में मार्क स्पिट्स के 1972 के ओलंपिक में जीते 7 गोल्ड का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, इस पर इयान थोर्प ने कहा कि नहीं, फेलिप्स ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये लगभग असंभव है, 8 के 8 गोल्ड जीतना लगभग असंभव है। इस पर माइकल फेलिप्स ने घोषणा कर दी कि 2008 के ओलंपिक में वे 8 के 8 गोल्ड मेडल जीतेंगे, मार्क स्पिट्स के 7 गोल्ड का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
इस पर उनका खूब मजाक भी बनाया गया। बहुत से लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया है, अपने आप को भगवान समझने लगा है। लेकिन इन बातों का फिलिप्स पर नेगेटिव असर नहीं हुआ, बल्कि इन सारी बातों ने ईंधन का काम किया और वो दुगनी ऊर्जा से प्रैक्टिस करने में लगे। जहां मार्क स्पिट्स ने 4 साल तक 8 घंटे की प्रैक्टिस की थी, वही माइकल फिलिप्स 12 घंटे की ट्रेनिंग करने लगे। लोग उनकी ट्रेनिंग को देखकर उसे पागल कहने लगे, लेकिन उनकी माँ व उनका कोच हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उन्हें उस पर पूरा विश्वास था। लेकिन 2008 के ओलंपिक से 2 साल पहले यानी कि 2006 में उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि आप अब हाथ से स्विमिंग नहीं कर सकते और बीजिंग ओलंपिक नहीं खेल सकते। सभी ने कहा कि छोड़ो, जान है तो जान है, लेकिन फिलिप्स ने तो अनाउंस कर रखा था कि 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, तो वो कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और एक अलग तरह की प्रैक्टिस करने में लग गए। वो हाथों के बजाय सिर्फ पैरों से प्रैक्टिस करने लगे और अगले 1 साल तक उन्होंने अपने पैरों को इतना मजबूत व तैराकी में माहिर बना दिया कि जब उनके हाथ ठीक हुए तो उनकी स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि उनको मैच करने वाला आसपास भी नहीं था। 2008 के ओलंपिक में उन्होंने एक के बाद एक 7 गोल्ड अपने नाम कर लिए। लेकिन जब 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग की बारी आई और वो पुल में उतरे तो उनके गोगल का एक शीशा टूट गया। लेकिन रेस शुरू हो चुकी थी और गोल्ड से कम कुछ मंजूर नहीं था। उनकी आंख में पानी घुसने लगा, लेकिन उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि उन्हें पता था कि मेरे इतने स्ट्रोक पे पहली लेप, इतने स्ट्रोक पे दूसरी लेप और इतने स्ट्रोक पे तीसरी लेप आएगी। वो 100 मीटर होने तक बिल्कुल अंधे हो चुके थे, लेकिन वो चलते रहे और जब 200 मीटर पूरे हुए और उन्होंने स्कोरबोर्ड पर उठाकर धुंधली आंखों से देखा तो उनके नाम के सामने लिखा था WR यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो ओलंपिक इतिहास के सबसे महान तैराक बन चुके थे। ये होता है जज्बा। माइकल फिलिप्स की उपलब्धियां उन्हें सबसे महान तैराक ही नहीं बल्कि सबसे महान एथलीट भी बनाती हैं। वो फुटबॉल के पेले, हॉकी के ध्यानचंद, एथलेटिक्स के उसेन बोल्ट या फिर क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर, श्री के अद्भुत प्रतिभा के धनी और अविश्वसनीय कारनामे करने वाले खिलाड़ियों में शुमार हैं। बीजिंग में जब उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते तो अन्य देशों ने उनकी कामयाबी पर सवाल उठाए कि आखिर कोई खिलाड़ी लगभग असंभव कारनामा कैसे कर सकता है। लोग उनकी सफलता के वैज्ञानिक मायने तलाशते हैं, उनकी शारीरिक बनावट से लेकर उनके खान पान तक की चर्चा होती है। लेकिन जब पैसा और शोहरत मिलती है तो कुछ बुराइयां भी आ जाती है। बचपन से प्यार की तलाश में वो नशे में चले गए, नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में वो जेल भी गए, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में गए। लेकिन इस दौर से फिर उनकी माँ व उनके कोच ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं गलत चला गया था, लेकिन अब नहीं, मैं फिर शुरुआत कर रहा हूँ। और 2012 के ओलंपिक में उन्होंने फिर 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। 2012 के ओलंपिक के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन टाइगर वुड, रोजर फेडरर से प्रेरणा लेकर वो दोबारा 2014 में पुल में लौटे और 2016 के ओलंपिक में दोबारा 5 गोल्ड के साथ टोटल 6 पदक अपने नाम किए। इस प्रकार 2004, 2008, 2012 व 2016 के 4 ओलंपिक में उन्होंने टोटल 28 पदक जीते, जिनमें से 23 गोल्ड हैं। एक दुखद बात तो है, लेकिन सच्चाई भी है कि अभी तक के ओलंपिक इतिहास में हमारे देश ने भी कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें सिर्फ 9 गोल्ड हैं। एक तरफ अकेला एक इंसान जिसने 23 गोल्ड जीते हैं, वह दूसरी तरफ 135 करोड़ की आबादी वाला पूरा देश जो सिर्फ 9 गोल्ड जीत पाया है। क्या हमारे देश में प्रतिभा की कमी है? नहीं, सिर्फ मेहनत, जज्बा व इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हमारा प्रदर्शन भी ओलंपिक में सुधरा है, लेकिन हमें और प्रयास की जरूरत है। फिलिप्स 28 ओलंपिक पदकों के अलावा भी बहुत से पदक अपने नाम कर चुके हैं। वो अब तक 83 पदक जीत चुके हैं, जिनमें से 65 गोल्ड मेडल हैं। 1972 के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले मार्क स्पिट्स ने कहा था कि उनकी ये सफलता इंसान के चांद पर कदम रखने जैसी है। उस लिहाज से बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड जीतने की फिलिप्स की सफलता इंसान के मंगल ग्रह पर कदम रखने जैसी कही जा सकती है। आने वाली पीढ़ियों को यकीन ही नहीं होगा कि इस धरती पर फिलिप्स जैसी क्षमता वाला खिलाड़ी भी पैदा हुआ था। क्या भविष्य में हमारे देश में भी कभी कोई फिलिप्स बन पाएगा जो ओलंपिक में 28 मेडल जीतने जैसा अद्भुत कारनामा कर दिखाए? तो मेहनत और जिद की बदौलत क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो कुछ इंस्पायर करे और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, तो प्लीज इसे लाइक व शेयर कीजिएगा व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। धन्यवाद।